गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निच्छत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखि परम पद लीना बाजू जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम उर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरत भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु बज्र की कीले गदा बज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग हिंग हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा जा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परो करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर विधि मार तुम शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो
जय जय तुम्हें होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत खामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जही मारे काही कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा हरे उर ध्यान देह के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ओम शत्रुमर्दिनी नमः ओम श्री अंबिका देवी नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम तारकासुर संहंत्री नमः ओम शुंभ शुंभ सौहंत्री नमः ओम श्री दुर्गा माता जगदंबा नमः ओम श्री रक्षा करी नमः ओम राक्षसघ्नी नमः ओम श्री चामुंडा नमः ओम मधो केतव हंत्री नमः ओम नरकांतका नमः ओम भंडासुर मर्दिनी नमः ओम श्री शिरदि साईनाथ नमः ओम श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः ओम श्री कार्तिकेय नमः ओम सर्वासुर मर्दिनी नमः ओम सर्व बाधा विनाशिनी नमः ओम सर्व सत्य गुरु मर्दिनी नमः ओम सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहज योगी जन
जिनको स्वयं श्री आदि शक्ति ने श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में पृथ्वी पे अवतरित होके आशीर्वादित किए, युगों युगों की उनकी साधना तपस्या को फलित किए, उनको आत्म साक्षात्कार देखे, गौरी कुंडलिनी को जागृत करके आत्मा को प्रकाशित किया। यही आत्मा का प्रकाश हमारे मस्तिष्क में आके विराट की शक्तियों को हमारे ऊपर बरसाने लगा। श्री आदिशक्ति माँ निर्मला ने हमें जो प्रथम सूत्र दिया, ईश्वर को प्राप्त करने का, उनसे योग करने का, वो है समर्पण, इस्लाम और सरेंडर। जस्ट सरेंडर ऑल आवर वरीज, मेंटल प्रोजेक्शंस, वर्ल्डली मैटर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स विच वरी अस फ्रॉम द पास्ट और फ्रॉम द फ्यूचर, सबकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस एरिया। Just surrender. A very warm welcome to all the Sahaj Yogis present here today. Let us begin today's meditation. आज के इस ध्यान में हम सबसे पहले माँ की अमृतवाणी सुनेंगे सरेंडर पे, कि हमको आखिर क्या सरेंडर करना है जिससे हमारा चित्त हल्का हो और ये ऊर्ध्वगामी गति में बढ़ सके। चित्त के माध्यम से ही योग घटित होता है, चित्त के माध्यम से ही ये चेतना महसूस करती है उन सभी आयामों जो मादि शक्ति ने हमें प्रदान किए, वो घटित होते। आइए आज के ध्यान का आरंभ करें। आप सबको मेरा सादर नमन। पूरी तरह से निर्विचार होंगे, एकदम निर्विचार, कोई विचार नहीं। कोई विचार नहीं, निष्क्रिय होंगे, कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, सो वी हैव टू मेंटली अप्रोच अवर सेल्व्स। वी हैव टू टॉक टू अवर सेल्व्स and say to ourselves,
What are you doing? What is surrendering? It is enjoyment. It is just enjoyment. Then why I cannot surrender? What is lacking in me? Am I a very low-level person? Am I the one who was just saying I am a seeker, but I am not? Am I a dishonest person that I cannot surrender? If so, what am I proud of myself? If that is the situation, then why am I so much enamored by my ego? What do you have to surrender? A drop has to dissolve into the ocean to become the ocean. And a drop cannot be greater than the ocean, can it be? So what is the surrendering? Surrendering of our conditionings, of our ego, and the artificial barriers we have built around us. One can approach mentally, one can approach emotionally, and also physically we can approach ourselves. We can approach ourselves through mantras. Through seeing ourselves, through knowing ourselves, but one should know this is the greatest of greatest opportunity. The other day I met one lady, she told me of several miracles in her life, how she was saved. She was about to die, she came across an accident, all that, but how she was saved? While her husband, he succumbed to all kinds of things. So I said, what do you mean, how it happened? He said, Mother, it's nothing but Shraddha. Shraddha is dedication. Surrendering. Surrendering. Because I am surrendered. But I said, how? That I don't know. I am just surrendered. I feel so comfortable, so lively, and so much out of fear when I know I am surrendered, completely surrendered to my spirit. And this is what it is we have to learn when we meditate, that we have to surrender. Muhammad Sahib has called Islam, Islam means surrender. Though they don't surrender, otherwise, you see. But what is it that you must surrender to your global nature, to your higher nature? Jai Shri Mataji. Aaj ki dhyan ka Shri Ganesh karte hain. श्री गणेश जी को आवाहन देती हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कृपा कीजिए और मेरे ध्यान को निर्विघ्न संपन्न कराए। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी,
आप सृष्टि के आदि हैं, आप अंत हैं, आप अनंत हैं, आप सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। आप ही भूत भविष्य और वर्तमान है। आप सब दिशाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। कुछ भी ऐसे नहीं जो आपके नियंत्रण के बाहर। सभी देवी देवता भी आपका पूजन करते हैं। कृपा कीजिए और मेरे सभी चक्रों पे विराजित हो जाइए। माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। अपने चित्त को पूरी तरह से अपने भीतर रखेंगे, पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी के अंदर। श्री गणेश जी को हमारी प्रार्थनाओं के फल स्वरूप कार्य करता हुआ महसूस करेंगे। हर चक्र पे श्री गणेश जी विद्यमान है। महसूस करेंगे हर चक्र की स्थिति को। अपनी ही रीढ़ की हड्डी के अंदर चले जाएंगे चित्त से। अपने ही अंदर जाना है पूरी तरह से। ब्रह्म नाड़ी बहुत सुंदर। अब अपने चित्त को अपने बाएं हृदय मिलाएंगे। हे भगवान कुंडलिनी कृपा कीजिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। महसूस करेंगे इस घटना को। हमारा आवाहन सुनते ही माँ कुंडलिनी हमारी आत्मा में कार्य कर रही, प्रकाशित हो रही है। आप बाएं हृदय के अंदर पूरा चित्त महसूस करेंगे इस घटना को। महसूस करेंगे मां आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं साक्षी स्वरूप आत्मा। अब इस प्रकाश चित्त को पहले मध्य हृदय मिलाएंगे माँ जगदम्बा के दरबार में। सभी देवी देवता माँ जगदम्बा के श्री चरणों में बैठे हैं। हमारे प्रोटेक्शन के लिए कार्यरत है श्री भैरवनाथ। हमारे बाई ओर कार्य कर रहे हैं
महसूस करेंगे इस घटना को, अपने चित्त को अपने शरीर के बाईं ओर रखते हुए अपने अंदर उतरना है, परमिट होना है अपने हर कोशिका में, अपने चित्त से पूरा चित्त बाईं ओर। श्री भैरवनाथ जी कार्यरत है। दाईं ओर श्री हनुमान जी कार्यरत है। पूरा चित्त दाईं ओर, श्री कार्तिकेय जी दाई मूलाधार से सभी राक्षसों का वध कर रहे हैं। पूरा चित्त रखेंगे श्री कार्तिकेय जी के श्री चरणों में। अब चित्त को उठाएंगे, मध्य हृदय में लाएंगे, नमन करेंगे माँ जगदम्बा को, उनकी शक्तियों को महसूस करेंगे मध्य हृदय में। पूरा चित्त रखेंगे पूरा चित्त मध्य हृदय, ऊर्जा का अनुभव करेंगे। खेचरी मुद्रा लग रही महसूस करेंगे माँ जगदम्बा की जागृति। चित्त को उठाएंगे और आत्मा के प्रकाश को अपने मस्तिष्क में लाएंगे। सबसे पहले विशुद्धि चक्र में विराट विराटांगना की शक्तियों को अपने अंदर भर लेंगे। श्री राधा कृष्ण विराजित हैं विशुद्धि चक्र में। महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति। चित्त को आज्ञा चक्र पिलाएंगे जहां बहुत प्रेशर है आज, सब तनावों को छोड़ देंगे, सबको क्षमा करेंगे, सबको क्षमा। ब्रह्मचंद्र में आएंगे, माधि शक्ति के श्री चरणों में नमन करेंगे और चित्त को स्तिष्क के भीतर रखेंगे। पूरा चित्त फिराएंगे मस्तिष्क के अंदर, आत्मा का प्रकाश फैल रहा है महसूस करेंगे। पूरा चित्त अंदर एकाग्रता बनाए रखेंगे मस्तिष्क के भीतर, परम चैतन्य फैल रहा है। चित्त को लाएंगे ब्रह्मरंध्र पे श्री माता जी के श्री चरण,
सब कुछ सरेंडर कर देते, परेशानियां, भाव, विचार, सांसारिक या आध्यात्मिक, सब माँ के चरणों में छोड़ देते। चित्त एकदम हल्का हो गया। उठाएंगे इसको अर्ध बिंदु चक्र पे, महसूस करेंगे इस चक्र को शरीर के ऊपर, पहला चक्र जुड़े रहेंगे अपने चित्त से, स्पर्श करेंगे बिंदु चक्र को इसी के ऊपर, वलय चक्र उसके भी ऊपर जहां हम कुंडलिनी बांधते हैं, वलय चक्र चूड़ी के आकार का चित्त से स्पर्श कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस चक्र को। चित्त को और ऊपर उठाएंगे, धीरे 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 आकाश तक ले जाएंगे, परम चैतन्य बरसने लगे हैं, पूरे विश्व में चित्त ले जाएंगे, सातों महाद्वीप, पांचों महासागर, चारों तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, परमेट करेंगे धरती के भीतर, जल तत्व के भीतर, अग्नि तत्व के भीतर, वायु तत्व के भीतर, आकाश में, ऊपर उठाएंगे चित्त को अंतरिक्ष में, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, अनेकों खगोलीय पिंड, नेबुलास, पूरा चित्त अंतरिक्ष में, परमिट कर जाएंगे अंतरिक्ष में अपने चित्त से, बहुत सुंदर। सभी ग्रह नक्षत्र हमारे साथ लय में लयबद्ध है, चित्त को और ऊपर उठाएंगे, शून्य सरोवर में आएंगे, सब कुछ शून्य है, न जल, न पृथ्वी, न वायु, न अग्नि,
आकाश सब शून्य है। सब शून्य है। श्री सदाशिव विराजते हैं। इतने ठंडक है, श्री सदाशिव साकार में ढूंढे, साकार स्वरूप गहरे नीले रंग नमन करेंगे। श्री चरणों पूरा चित्त श्री चरण प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परम पिता, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, मुझे योग प्रदान कीजिए, मुझे अपने हित में समा लीजिए। समा जाएंगे प्रभु के हित में, समा जाएंगे, समाते चले जाएंगे। पूर्णता का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे डिटैच होने का प्रयास करेंगे परम पिता से। चित्त के माध्यम से परिक्रमा करेंगे वलय के रूप में, शिव शक्ति का, आदि शक्ति का अंग प्रति अंग है हम, वलय है हम। धीरे से अपने चित्त को बाहर निकाल के श्री चरणों में नमन करेंगे। हे प्रभु, हे परम पिता, आपने हमारी सभी भूलों को, अपराधों को क्षमा की, अपने हृदय में हमें समा लिया, हमें योग प्रदान की। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अपने चित्त को अंतरिक्ष में लाएंगे, आकाश में लाएंगे और सीधे अपने ब्रह्म रंध्र पे आएंगे। महसूस करेंगे
इससे थे संबंध को श्री सदाशिव से। परम चैतन्य बरस रहा है, अपने रुद्रों को स्नान करने देंगे। परम चैतन्य अपने पूरे शरीर में भर लेंगे। परम चैतन्य जो निरंतर हमारे ऊपर बरस रहा है, ग्रहण करते रहेंगे, भीगते रहेंगे, नहाते रहेंगे। आप अपने चित्त को चारों ओर घुमाएंगे, अपने शरीर के चारों पूरे परिवार में फैलाएंगे चित्त को। पूरे समाज में फैलाएंगे चित्त को। पूरे भारत योग भूमि भारत पूरे विश्व में अमेरिका अफ्रीका अंटार्कटिका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया चित्त के माध्यम से परम चैतन्य फैला अपने ही शरीर से इस जुड़ाव को महसूस करेंगे। धीरे से अपने सहस्त्रार पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरण नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए, ध्यान के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी, आपने हमें अपनी सेवा का अवसर दिए, अपना माध्यम बनाएंगे। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि श्री माता जी, हमें सदैव अपना यंत्र बनाए रखे। मैं आपकी हूँ, मेरा जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका है श्री माता जी, सब कुछ आपका। मेरे समर्पण को स्वीकार करें, आशीर्वादित धीरे धीरे अपने मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में धन्यवाद करेंगे, नमन करेंगे, विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी, आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी, श्री माता की ओर से सबको जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।